सकती हैं। तो आने वाले टाइम में एटलीस्ट 1 से 2 महीना तक आपको एहतियात बरतना है पोस्ट कोरोना पीरियड में भी, ताकि आपका हाथ सुरक्षित रहे, लंग सुरक्षित रहे, और जो कई जगह क्लॉट्स बनते हैं पैरों में, सांस की नलियों में, ये भी आवश्यक नहीं। सर ऐसा है कि मेरे जून में नस मतलब पैर की नस जो है ब्लॉक हो गई थी, ठीक है। तो हमने मेडिसिन किया, मतलब तो उसके बाद में अब ठीक हो गया काफी हद तक, तो लेकिन फिर भी कमर के नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें वैक्सीन मतलब ठीक रहेगा लगवाना या नहीं रहेगा, कुछ नुकसान तो नहीं करेगा जी? डॉक्टर पिपे प्रेम जी नमस्कार। आपका ये जो पैरों की रगों में ब्लड का क्लॉटिंग हुआ था नसों में, वो कोरोना के कारण हुआ था या कोई और दूसरा कारण था? शायद वो फोन लाइन अपना पे नहीं है डॉक्टर साहब, आप अपना कंटिन्यू रखिए जवाब प्लीज। ओके, सो अगर आपके ये जो पैरों की नसों में जो प्रॉब्लम कोरोना के चलते हुआ है, तो डेफिनेटली यस, आपको ये चाहिए कि अगर आप ब्लड थिनर उसके साथ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, तो जो एंटी कोगुलेंट है उसको आपको 2 से 3 दिन के लिए रोकना पड़ेगा। अगर एंटी कोगुलेंट नहीं ले रहे हैं, एंटी प्लेटलेट ले रहे हैं,